स्टेट्स में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए यहाँ अलग अलग प्रकार के तीज त्यौहार, खान पान समेत अलग अलग पहनावा देखने को मिलता है। यही कारण है कि भारत को विविधताओं का देश माना जाता है। ठीक वैसे ही देश में मौजूद सभी राज्यों की भी अपनी अपनी अलग पहचान है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बिहार राज्य की, जो न सिर्फ अपनी बोली, संस्कृति और इतिहास के लिए मशहूर है, बल्कि अपने लजीज व्यंजनों के लिए भी पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिहार की पहचान यहाँ की भाषा और पर्यटन स्थलों के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों से भी किया जाता है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा। आज हम बिहारी जायका में बात करेंगे यहाँ के एक ऐसे मशहूर व्यंजन की, जिसे बड़ी ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। यह एक ऐसा व्यंजन है जिसे फूल का आकार दिया जाता है। इस व्यंजन को दाल की दुल्हन के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं बिहार की मोस्ट फेमस डिश दाल पिट्ठा की। बता दें कि यह पकवान देखने में तो काफी सादी होती है, लेकिन इसके स्वाद में जन्नत होता। दाल पिट्ठा पकौड़ी या मोमोज पकाने का बिहारी तरीका है। यह बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए एक उचित भोजन विकल्प है। यह प्रोटीन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, जो हर उम्र के लोगों के लिए एक महान प्रतिरक्षा बूस्टर और ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करता है। चावल के आटे और मसालेदार दाल के भरावन से बनाया गया दाल का पिट्ठा नॉन फ्राइड, हल्का और पकाने में भी आसान होता है। वास्तव में पिट्ठा अधिकांश माता पिता के पसंदीदा होते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्ठे में उच्च पोषण सामग्री होती है। इसे बच्चों के लिए भोजन का सबसे अच्छा विकल्प बनाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में चावल और दाल होते हैं, जो बच्चों के लिए सबसे अधिक अनुशंसित भोजन विकल्प है। आमतौर पर बच्चों को दाल पसंद नहीं आती है, लेकिन एक बार मनपसंद चटनी या डिप के साथ पिट्ठे के रूप में परोसे जाने के बाद बच्चे इसे न नहीं कह पाएंगे। बिहार के व्यंजनों से प्राप्त स्वाद और पोषक तत्वों के समृद्ध संयोजन को खिलाने से पहले इससे जुड़ी कुछ स्वास्थ्य लाभ है, जिन्हें आपको अवश्य जान लेना चाहिए। इससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि दाल पिट्ठा बनाने में चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही इसमें स्टफिंग के लिए दाल का इस्तेमाल किया जाता है। दाल के साथ पिट्ठा बनाने के लिए साबुत गेहूं या ताजे चावल के आटे का उपयोग आप जरूर कर सकते हैं। दाल पिट्ठा एक पकौड़ी के आकार का व्यंजन है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के घरों में बनाया जाता है। कभी कभी वे गुजिया के आकार के भी हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दाल पिट्ठा का सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य को क्या लाभ पहुँचाता है। दाल पिट्ठा में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है। बता दें कि पिट्ठे में दाल की फिलिंग इसे प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत बनाता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन युक्त आहार महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है, शरीर में रक्त और ऑक्सीजन के परिवहन में ऊर्जा और सहायता प्रदान करते हैं। पिट्ठे में चावल के आटे का प्रचुर मात्रा में उपयोग इसे कैल्शियम से भरपूर बनाता है, जो हड्डियों और कंकाल के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा चावल का आटा लस मुक्त और कम एलर्जी वाला होता है, जो बच्चों को कुछ भी खिलाने से पहले टिक करने के लिए एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। चावल का आटा भी फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है, जो मल त्याग और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिट्ठा 15.20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, गुर्दे, मस्तिष्क और हृदय की मांसपेशियों के कार्यों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह कब्ज से बचाता है और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। यह पीठ में कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी के कारण है कि इसे खाने से बच्चे लंबे समय तक भरे और सक्रिय रहेंगे। पिट्ठे में इस्तेमाल चावल का आटा विटामिन ई से भरपूर होता है, जो प्रतिरक्षा त्वचा के साथ स्वास्थ्य को बढ़ाता है, ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करता है और कैंसर से बचाता है। इसके अलावा पिट्ठे में इस्तेमाल होने वाली चना दाल विटामिन B1 और B9 से भरपूर होती है, जो बच्चों में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देती है। यह उनके विकास और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, तले हुए भोजन में उच्च स्तर की कैलोरी और वसा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अधिक तले हुए खाद्य पदार्थ अक्सर मधुमेह टाइप कोलेस्ट्रॉल के स्तर में उतार चढ़ाव और हृदय रोगों को प्रमुख कारण बन जाते हैं।
इसके अलावा आज के परिदृश्य में जब हम बेचे और उपभोग किए जाने वाले तेल की गुणवत्ता पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं, तला हुआ भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके शरीर नाजुक और विकासशील अवस्था में है। लेकिन पिट्ठा तले हुए भोजन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो कि उच्च मात्रा में पोषण के साथ समान रूप से उंगली चाटने वाला भोजन है। गैर तले हुए खाद्य पदार्थ अपने मूल पोषण मूल्यों को बनाए रखते हैं और उपभोक्ता के स्वास्थ्य और शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। दाल पिट्ठे में मुख्य रूप से काले चने और सरसों का तेल का उपयोग किया जाता है। बता दें कि सरसों के तेल के विभिन्न स्वास्थ्य लाभ है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, पाचन में सुधार करने में मदद करता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो त्वचा, नाखून और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सरसों के तेल में जीवाणु धुरोधी गुण भी होते हैं, जो कोलन में बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं और मौखिक स्वच्छता में सुधार करते हैं। दाल शरीर को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करती है और स्वस्थ रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बनाए रखने में मदद करती है। आज के लिए बिहारी जायका में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।